7-8 पीछे भंडार पंचायत के 23 आदमी जो है वो डेली वेजर यहाँ पे लगे हैं। तो उसके बाद वो बोलते हैं कि वो कहीं ठेकेदारों के साथ काम कर रहे हैं तो लोगों का पानी लगाने का उनको टाइम नहीं मिल रहा। ठेकेदारों के साथ वो काम बोलते थे पिछले साल 2-3 साल हो गया हमने कर देनी है। उसके बाद वो आए नहीं, इधर पता ही नहीं है कहाँ है क्या है, पता नहीं पैसा निकाल के खा गए हैं। तो लिफ्ट की स्कीम यूं की तू ही पड़ी है, तो कोई होज वगैरह बने हैं, पानी है ही अपनी मनमानी से होज बना रहे हैं, अपनी मनमानी से लाइन लगा रहे हैं, उनको जमीन में लगाते ही नहीं है नीचे, तो ऊपर ही लाइन लगा रहे हैं जितने भी है। तो इस वक्त नई लाइन लग रही है अगर, तो उनको कालर चढ़ने की कोई जरूरत है, उनको भी कालर चढ़ा रहे हैं, तो दूसरे दिन वो लीक हो जाती है अगर पानी आया भी तो। बाकी 3-4 साल हो गए लोगों की यही प्रॉब्लम है यहाँ। वाजर से लेकर जेई से लेकर डी तक एक्शन तक बजाई रोज गवर्नर तक। कोई रिटर्न में आपने लिखित में कोई डिपार्टमेंट को दी? बहुत बारी दी। तो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं आज आ रहा कल आ रहा, बस यही। ये डेली वेजर है, ये को 26-27 आदमी मतलब ये लगाए हैं, ये वहाँ ये जाते नहीं हैं, ये ठेकेदारों के साथ काम कर रहे हैं, ये यहाँ हमारा ये लिफ्ट का काम सुनता नहीं, बिल्कुल कोई मुलाजम नहीं हमारी सुनता, कोई डीसी नहीं सुनता, कोई गवर्नर नहीं सुनता। यहाँ बातों से कहते हैं हम बहुत बड़ा कर रहे हैं कश्मीर में, बहुत जम्मू कश्मीर में हमने इतनी तरक्की की है, खुली तरक्की कर रहे हैं, और तरक्की को रहने दो तो पानी दो इन लोगों को, गरीबों को। हमारा नटकेर सिंह है, उसको हम रोज़ फोन करते हैं, बोलते डेली दिन रात करते हैं। कल जब हमने ये थोड़ा सा रौला पाया, उसके बाद पानी गए कहीं ग्रेविटी पर, वहाँ से पानी लाया, पानी कहाँ पहुँचा जा, गंदाली, कनोटा, थनौल, भंडार, खैलकोट, कितने गांव बढ़ते हैं पता नहीं, 2,000-3,000 की ये पॉपुलेशन है यहाँ की। और मीडिया वालों से उधर वो खबरें लगाई, उसके बाद इन्होंने छोड़ा। डायरेक्टर पहाड़ी एक्सप्रेस ने जब लगाई तो उसके बाद कितने का है? 5 मिनट बोलते हैं कि पानी आया, 5 मिनट में कनोटा, गंदाली, थनौल, बंदा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज। इस वक्त पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज की टीम जो है ग्राउंड जीरो पे है, पंचायत बंधार के अंदर है, जो वार्ड नंबर 6 कनोटा के अंदर है, और तहसील ठाकराकोट और ब्लॉक भी ठाकराकोट के अंदर आती है। और मेरे पीछे इस वक्त जो लोग खड़े हुए हैं, इनकी परेशानी क्या है इन्हीं से पूछेंगे। सबसे पहले आपका पहाड़ी एक्सप्रेस में स्वागत है। सर पानी नहीं है साढ़े, और सारा ना दसो तुस ना। मेरा पूरन चंद जी, तुम सुनाओ कि किन्ने चिर होए पानी नहीं है? पानी 3 महीने हुई है। अच्छा, कोई पानी नहीं है। जेड़ी माल मवेशी है तो किन्ने किन्ने एक बंदे कट्ठे होइए जांदे पानी? बंदे 30-40 बंदे किट्ठे होइए जांदे पानी आने, गागरा लेइए करीबन 3 किलोमीटर थल्ले दा आना पौंदा, एक बड़े किश जाड़े बिच जाना थल्ले, पानी भी बड़े काफ़ी दूर है। अच्छा, ते बड़ी मुश्किल है जी, निके निके बच्चे, जनानियां, जागत सारे सवेरे दे गेदे हल्ली आए नहीं है पानी लिए। किन्ने इत्थे मुलाजम केड़ा केड़ा है? मुलाजम इत्थे सब तू इस वेले सुपरवाइजर है कैर सिंह। उसे तुसे कोई फोन किया जाके? उसी बहुत फोन किए जी, इस वेले भी मेरे फोन बिच रगटन पे दी उदियां सारिया, उसी रोजाना आखने पानी पानी आखदा, ये आया उठिए उठी, आया है नहीं अजे, पता नहीं कुत्थे फसी दा पानी। साढ़े चीफ डायरेक्टर ने राती जड़ी है वीडियो लाई पहाड़ी एक्सप्रेस से, उसके बाद उसे सवेरे आखिया कि किन्ने चिर किन्ने मिनट पानी आया, किन्ने कोई 1 घंटा आया, 2 घंटा आया, किन्ने आया? करीबन सब तू ज्यादा करीबन 5 मिनट आया होना। अच्छा, हाँ, कुछ नलके एक गागर भरोई तो कुछ नहीं भरोई है। तो जो माल मवेशी है वो भी? माल मवेशी भी कुछ पीने वास्ते कुछ नहीं होंगे है, कोई इं पे जो बच्चे हैं उनके कपड़े शपड़े वो कपड़े को जद कोई बारिश बुरश बरगता तो उगन देना आन धोते पे दे। आपका क्या नाम है? नमस्ते। आप पेंच हो? जी जी। कौन सी वार्ड के पेंच? 6 नंबर वार्ड के पेंच। अच्छा, 6 नंबर इसी वार्ड के? इसी नंबर। आप बताइए कि आप इन लोगों ने आपको चुन के जो है पेंच रिप्रेजेंटेड, आप पेंच हो जी, तो आपने इनकी कोई ऐसा बात जो है इंतजामिया तक, डिप्टी कमिश्नर तक, या तहसीलदार हो गया कोई भी है मुलाजिम है, उन तक क्यों नहीं बात में पहुँचाई? सुपरवाइजर से लेकर जेई से लेकर डी तक एक्शन तक बजाई रोज गवर्नर तक। कोई रिटर्न में आपने लिखित में कोई डिपार्टमेंट को दी? बहुत बारी दी। क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं आज आ रहा कल आ रहा, बस यही। हमने पैसे दे के भी बंदे चलाए गिफ्ट रिवर। किसके पैसे? आप जेब से पैसे दे के? अच्छा, पानी फिर पूछे अपने प्राइवेट बंदे? प्राइवेट बंदे सिंबल भेजे में 2-3 बारी। तो वो फिर पानी क्यों नहीं आया? पानी फिर भी नहीं आया। तो कितने गिफ्ट रही है पीछे? बिल्कुल पेंडल पे ही है, किधर टूट जाता है उधर फिर से टूट जाता है, कल पूछेगा कल नहीं परसों पूछेगा, बस इसे ड्रामे में 3 महीने निकल गए। अच्छा, 3 महीने हो गए पानी नहीं है? नहीं आया पानी, एक दिन आया, दो दिन, एक दिन देना थोड़ा थोड़ा, 10 दिन देना ही नहीं, 10 दिन फिर देना थोड़ा, बस यही काम। अब जो लगातार है 3 महीने से बिल्कुल पानी नहीं? बस बीच आया एक दिन चिकन आ दिया, बस फिर आज तो बोल रहे ना 1 घंटा
पिछले घंटा आगे पाँच मिनट भी नहीं मिला। होज में जो हमने वीडियो डाली है वो बिल्कुल पानी है नहीं, वो खाली पानी। गांव देखना कितने हैं, एक घंटे का पानी पूरा हो सकता है? कितना यहाँ पे कितने जो हैं घर हैं, पॉपुलेशन कितनी? घर 150-200 आदमी। तो आप पीआरआई के हिस्से हैं, सरपंच हैं आपके, सरपंच से आपने बात की? उन्होंने सरपंच सबको की बात, सुपरवाइजर को तो डेली रात दिन आज आएगा कल आएगा। सरपंच क्या कहता है? सरपंच को भी किया, वो भी कहते हैं करता हूँ कॉल में। तो अभी तक कॉल नहीं हुई, सुना कुछ है नहीं, पानी लगा नहीं, तो क्या सुन? आपका क्या नाम है? मेरा नाम है हाजी मोहम्मद शफी। अच्छा हाजी साहब, आप बताइए कि जिस तरह से यहाँ लोग, इतने सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, इन लोगों को पानी नहीं है, इन लोगों की कौन सुनेगा? जनाब हम मतलब की बोल रहे हैं कनोटा से, कनोटा ये वार्ड नंबर 6 भी पड़ती है, वार्ड नंबर इसमें 11 भी पड़ती है, वार्ड नंबर 4 जहाँ मिलती है। इसमें जो हमारी ये ग्रेविटी है, ये मथन सू टू थनौल भंडारस का नाम है, 32 किलोमीटर ये ग्रेविटी है। इसमें मतलब कि कोई चौकीदार जो लगाए हैं इन्होंने, डेली विजर लगाए हैं, इनका सुपरवाइजर है केर सिंह, बाकी जो ये डेली विजर हैं ये कोई 26-27 आदमी मतलब ये लगाए हैं। ये वहाँ ये जाते नहीं हैं, ये ठेकेदारों के साथ काम कर रहे हैं, ये यहाँ हमारा ये लिफ्ट का काम है उसका, वो चाह रहे हैं वो पैपे दबा रहे हैं, वो सब उनके साथ हैं। अच्छा ठेकेदारों के साथ चले, ठेकेदारों के साथ वो काम कर रहे हैं। हमें पहले नंबर ये पानी हमारा जो ये लाइन चालू हुई थी ये ग्रेविटी 2011 में, 2011 से लेकर 2018 तक हमारा पानी चलता रहा, ये हमारे तलावों में माल भी पीता रहा। 2018 के बाद 2019 के बाद आज तक हमें पानी नहीं मिला, कहीं एक दिन मिलता है, दो दिन मिलता है, जब किराया लेना होता है, किराया लेने की बारी आती है तो एक दिन लगाते हैं, आके फोटो लेते हैं, कापी लेके आ जाते हैं, किराया ले जाते हैं। आपके पास स्लिप होगी? स्लिप है हमारे पास, मैंने एक्शन को भी फ़ोन किया था परसों, ईडब्ल्यू को भी चौथ फ़ोन किया, कल जई को भी किया मैंने, फिर हमने कंप्लेन भी की, गवर्नर का जो नंबर है उस पर हमने कंप्लेन, कल 2 बजे मैंने कंप्लेन भी की, कोई यहाँ सुनता नहीं, बिल्कुल कोई मुलाजम नहीं हमारी सुनता, कोई डीसी नहीं सुनता, कोई गवर्नर नहीं सुनता। यहाँ बातों से कहते हैं हम बहुत बड़ा कर रहे हैं कश्मीर में, बहुत जम्मू कश्मीर में हमने इतनी तरक्की की है, खुली तरक्की कर रहे हैं, और तरक्की को रहने दो, तो पानी दो इन लोगों को, गरीबों को, जो गरीब मर रहे हैं। जल जीवन मिशन के जरिए प्रधानमंत्री का कहना है कि जैसे हमने बोर्ड में तस्वीरों में हम साथ साथ में बताएंगे कि बोर्ड भी लगा हुआ है, जल जीवन के जरिए हर गल नल, तो यहाँ पे ये बातों में है ना, सिर्फ बातों में, उसके पास बातों में ग्राउंड लेवल पर देखो ना, कोई अफसर भेजे वो अपनी टीम भेजे ग्राउंड लेवल पर देखें यहाँ है कुछ है पानी है। हमारे बच्चे मतलब कपड़े एक एक महीने दो दो महीने हो जाते हैं जो स्कूलों में जाते हैं, जाके रड नाले में धोते हैं, हम पानी जाके रड नाला से लाते हैं, 3 किलोमीटर हैं यहाँ जंगल यार्ड, डरती लड़कियों को इसका रिछ का डर, चीते का डर, हर चीज़ जानवर का डर, जाना पड़ता क्या है, और खच्चरों पर हम पानी लाते हैं इतने दूर से। इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं, जेकर सुनाई है हम डीसी से रिक्वेस्ट करते हैं, गवर्नर से करते हैं कि इन गरीब लोगों को क्यों मार रहे हैं, यहाँ दे ऐसे गवर्नमेंट का पैसा इनको दे रहे हैं, डेली वेजरों को, इनको मुलाजमों क्यों देते हो, यहाँ दे पैसे को रहने दो उधर ही, क्यों जाए करते हो, जब पानी नहीं पब्लिक को मेरा तो कैसे मुलाजम कैसे तनख्वाह दे रहे हैं इनको। परमानेंट मुलाजम भी होगा ना कोई? परमानेंट केर सिंह है, उसको हम रोज फोन करते हैं, वो तो डेली दिन रात करते हैं। कल जब हमने ये थोड़ा सा रौला पाया, उसके बाद पानी गए कहीं ग्रेविटी पर, वहाँ से पानी लाया, पानी कहाँ पहुँचा जा, गंदाली, कनोटा, थनौल, भंडार, खैरकोट, कितने गांव बढ़ते हैं पता नहीं, 2000-3000 की ये पॉपुलेशन है, यहाँ पानी मतलब के पूरा हो जाएगा घंटा, वो भी लोगों को दिखाने के लिए। इसलिए जनाब हम बार बार मतलब के आज वो बुलाने चाहिए थे, वो मुलाजिम होते तो सामने सामने बात करते कौन झूठा है कौन सच्चा है, देखते हो देखा आपने बिल्कुल खाली बड़ा है, सुक्का पता नहीं किस दिन का, यहाँ सब उसमें बड़े हैं, बिच्छू बड़े हैं उसमें, ऊपर उसके बंद भी नहीं है, कहाँ बंद है, देखो ना क्या है, खुले पड़े हैं, पैपों में बहन जो जाली पड़ गई है वो बंद हो गई है, पाइपें भी पूरी जमीन के पूरी जमीन के ऊपर रखी है पैपे, करो कैमरा मैन को कहो ये है वो ऊपर जमीन के रखी है पैपे। हम तो कह 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 के पहले फिर भी हम कुछ सुनता था हमारी, 2019 के बाद कोई नहीं सुनता, बिल्कुल नहीं सुनता, बिल्कुल झूठे दावे। तो डीडीसी भी है यहाँ, डीडीसी ने भी कई दफ़ा मैंने ईडब्ल्यू को डीडीसी से भी फ़ोन करवाया सब, कोई उसकी भी डीडीसी की भी कोई नहीं सुनता, सुनाई है ही नहीं, सीधी बात है, मैं तो ये कहता हूँ डीसी की भी नहीं कोई सुनता। तो डीडीसी से जब आपने बात की तो उन्होंने आपको जवाब दिया होगा ना? क्या जवाब, उसने मेरे सामने ईडब्ल्यू को एक दफ़ा फ़ोन किया तो यार ये मर रहे हैं, हाँ जी करेंगे करेंगे, हाँ आ जाएगा पानी, हाँ करते हैं, मेरी भैया कल परसों में एक्शन को फ़ोन किया, एक्शन ने की हाँ पूछता हूँ, बस इतनी बात, बाद में ख़त्म करते हैं, पानी है ही नहीं बाद में। आपका क्या नाम है?
मेरा नाम अरशाद अहमद, मैं पंचायत बंदार वार्ड नंबर 4 का पंच हूँ। पंच हो आप? जी 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 तालाब जी, पंच हूँ मैं। मैं आपका बेहद मशहूर हूँ जो इस मुश्किलात वक़्त के अंदर हमारा इस दूर दराज एरिया के अंदर आके यहाँ पे आपने लोगों की मुश्किलात को सुना। हमने काफ़ी बार ये शिकायतें की और काफ़ी बार एक्शन तक हर जई डीसी के पास भी हमने ये कंप्लेंट की। हमने सुना कि नया डीसी आया, वो लिखित में कोई कंप्लेंट दी? लिखित में भी हमने दी। तो हर भी नहीं हर बैक टू विलेज में आते हैं, कहते हैं कि वो मोदी के पास जाता है, को जो बैक टू विलेज का रिकॉर्ड है वो मोदी के पास जाता है, लेकिन हमारी इन लोगों की कोई सुनाई नहीं हुई। ये गरीब लोग जो है, छोटी छोटी बच्चियाँ 3 किलोमीटर दूर जाके ये पानी लाते हैं, अगर इन लोगों ने तो अपने पीने के लिए पानी का ही काम नहीं होता, बाकी क्या काम करना है इन लोगों ने। तो जैसे इन्होंने कहा कि 1 घंटा आधा घंटा पानी छोड़ा है, वो कल मैंने कंप्लेन की और मीडिया वालों से उधर वो खबरें लगाई, उसके बाद इन्होंने छोड़ा। डायरेक्टर पहाड़ी एक्सप्रेस ने जब लगाई तो उसके बाद कितने 5 मिनट बोलते हैं कि पानी आया। 5 मिनट में कनोटा, गंदाली, थनोल, बंदार काफी एरिया है, 5 मिनट में इधर क्या करेगा पानी? एक एक घड़ा जो है वो भी नहीं भर सके लोगों का। इसलिए जो भी ये जे स्कीम की जो जल जीवन मिशन जो चल रहा है, वो ग्राउंड लेवल पर आप देख लो, वो बिल्कुल नक के बराबर है। बिल्कुल नहीं है, नहीं है, क्योंकि उसकी जो स्कीम है वो सही तौर पे इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। तो जो आप पंच हो, सरपंच, आपने सरपंच से इनसे रेजुलेशन कोई दिया नहीं? हमारे से किसी ने रेजुलेशन ही नहीं मांगा। हम उनको इधर से पूछते हैं क्या किया आपने, क्या किया? हम कर रहे हैं जी, हम कर रहे हैं, बगैर अपनी मनमानी से हौज बना रहे हैं, अपनी मनमानी से लाइन लगा रहे हैं, उनको ज़मीन में लगाते ही नहीं है नीचे, तो ऊपर ही लाइन लगा रहे हैं जितने भी है। तो इस वक्त नई लाइन लग रही है, अगर तो उनको कॉलर चाड़ने की कोई ज़रूरत है? उनको भी कालर चढ़ा रहे हैं तो दूसरे दिन वो लीक हो जाती है, अगर पानी आया भी तो। बाकी 3-4 साल हो गए लोगों की यही प्रॉब्लम है, यहाँ पानी नहीं आता। बरसात में लोगों की रोली इसलिए ख़त्म हो जाती है क्योंकि उस वक्त बारिश होती है, तो पानी ऊपर वाला उनको देता है तो वो लोग थोड़े सब्र में रहते हैं। उसके बाद जब भी बारिश ख़त्म हो जाती है तो इन लोगों को पानी नहीं मिलता। तो इसके बाद हमारा एरिया में ये जो है, जैसे लेफ्ट स्कीम है रामी शरा से केरी कनोटा, वो लेफ्ट स्कीम भी जो है उसके हौज बने, पैपें लगी, बाकी उसका कुछ अभी तक यहाँ कुछ नहीं हुआ। उसके जो बिजली की वो लाइन लगनी थी वो नहीं लगी, मोटरें नहीं लगी, क्योंकि उसको भी किसी ने इम्प्लीमेंट नहीं किया। यहाँ पूछने वाला ही कोई नहीं उनको, तो वो ठेकेदार हमें आज तक मिले ही नहीं। कहाँ है ठेकेदार, क्या कर रहे हैं? 5 साल हो गए उस लाइन को चलते। तो वो क्या बोलते हैं ठेकेदार के, कब तक कम्प्लीट होगी? वो तो बोलते थे पिछले साल 2-3 साल हो गए हमने कर देनी है कर दें, उसके बाद वो आए नहीं इधर, पता ही नहीं है कहाँ है क्या है, पता नहीं पैसा निकाल के खा गए हैं। तो लिफ्ट की स्कीम यूं की तू ही पड़ी है। कोई होज वगैरह बने? होज वगैरह बने हैं, पानी है ही। आपका क्या नाम है? दीवान। आपका नाम क्या है? दीवान। दीवान चंद, आप बताइए कि ये कपड़े की हालत है, आप कितने दूर से पानी लाते हैं, आपके जो है क्या कहना चाहते हैं? 3 किलोमीटर आने आ रहे हो, पुरानी डोगरी बीच बोलो, मगर बोलो थोड़ा सा। कपड़े तो ना हो रही है, 3 किलोमीटर पानी आने। अच्छा, 3 किलोमीटर इतने तुम जो पंच सरपंच है कितने दूर से आप? जैसे खेड़ से बोल रहा हूँ, हम तो बहुत दूर नीचे से जाके पानी लाते हैं, छोटे बच्चे भी जाते हैं, लेडीज भी जाती है, सभी जाते हैं, बाकी बहुत दूर नीचे पानी है। जो पीएचई वाले हैं, केर सिंह के मजीदा हैं, बाकी उनके से छोटे हैं, बुलकाए हैं जो, तो उन्होंने किसी भी कोई भी बोला है, हमें जे भी बोला है 10 दिन के बाद दो, हमें को पानी चाहिए, हमें को जरूरी पानी की है। वो हमें को बोलते हैं नलके लुकाओ, नलके का हो का किराया के चलना जरूरी है, पानी चलेगा और नहीं चलेगा को मैं झूठ बोलूँगा? इधर तो कई ऐसे शरीफ बंदे हैं कि उनको पूछ लेना ये बात उन्होंने बोली है या नहीं बोली है। डेली वेजर इधर कितने मुलाजिम हैं? इधर डेली वेजर ये तो बताते ही नहीं है, इधर इस लैंड पे है कौन है और कौन नहीं है, वो कहाँ पे होते हैं मुझे पूछ लेना। क्या पता है वो, उनको पेंच को पूछ लेना, जो पेंच हैं, बाकी इधर तो बहुत हैं, उनको पूछ लेना। बाकी हमें को पानी बहुत जरूरी चाहिए, हमें ये ही है कि पानी का ही सहारा है, माल मवेशी घर का बच्चे का सभी श्रमंद पानी के साथ ही होता है सर, बाकी तो हमारा कुछ नहीं ना है। बाकी दिहाड़ी लगाते हैं, कहाँ जाना है, घर का ही नहीं काम बनता है, घर का पानी नहीं पूरा होता है तो दिहाड़ी कहाँ लगाएंगे, बच्चे कैसे पालेंगे, अपना क्या करेंगे, घर का क्या करेंगे? तो रिक्वेस्ट ये ही है, हम डीसी से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि पानी की कि बहुत जरूरी, जो पीएचई वाले हैं इनको जरूर पूछा जाए, कि इतनी बात है मेरी, इससे आगे कोई बात नहीं है।
पैंस साहब यहाँ पे जैसे आप बताएं कि कितने इधर डेली वेजर मुलाजम? डेली वेजर हमारी पंचायत में सर 23 आदमी डेली वेजर लगे हैं यहाँ पे। 23 आदमी लगे हैं तो फिर पानी कहाँ पे नहीं? वो बोल रहा है बंदार के बंदार पीछे 7-8 पीछे बंदार पंचायत के 23 आदमी जो है वो डेली वेजर यहाँ पे लगे हैं। तो उसके बाद वो बोलते हैं कि वो कहीं ठेकेदारों के साथ काम कर रहे हैं तो लोगों का पानी लगाने का उनको टाइम नहीं मिल रहा। ठेकेदारों के साथ वो काम कर रहे हैं, लोग बेचारे ये तड़फ रहे हैं। ये हमारी अगर डीसी साहब देख रहे हैं इस वीडियो को, हमारी डीसी साहब से तहसीलदार साहब से यही रिक्वेस्ट है कि इन गरीब लोगों की तरफ थोड़ा ध्यान दें और इनकी समस्या को जल्द हल करें। वर्जन है जय साहब का लेने चाहते हैं कि आखिरकार उनका क्या कहना है। हमने वर्जन लेने की कोशिश की और उन्होंने जय साहिबान ने कॉल नहीं उठाई है और हम डबले से भी बात करेंगे। सर सर नमस्कार सर, डबले साहब बोल रहे हैं कि मीटिंग में हैं, बाद में कोशिश करेंगे डबले साहब से बात करने की, बाद में कोशिश करेंगे। मुझे दीजिए आज़ाद तालुक सेन को। जय हिंद जय भारत।